स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू याइन क्लासेस आमिरपुलटी अनु शर्मा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आशियान कंट्रीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे ए राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी के बारे में इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हेर वी गो ओके द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया हुआ एक कार्टून ठीक है बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अर्थ है आप सबको को पता है कि जो चाइना है उसे हम ड्रैगन कहते हैं और जो चाइनीज़ वॉल है ठीक है दो चीज़ चाइना की बहुत फेमस है एक तो चाइना का ड्रैगन और दूसरा चाइनीज़ वॉल तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो चाइनीज़ वॉल जो जिसने ड्रैगन का शेप लिया हुआ है वो क्या आ, 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 क्या उसे उसके बढ़ते हुए जो स्वरूप है जो कि पूरी वर्ल्ड को कवर करता जा रहा है क्या वो क्या उसे वो यूएसए जो छोटा सा आदमी है, है जो स्टॉप कर रहा है उसे हम ऐसे ये कह सकते हैं कि वो यूएसए को प्रेजेंट कर रहा है तो यूएसए जैसी इकोनॉमी ईयू जैसी इकोनॉमी क्या उस चाइनीज़ वॉल को रोक सकती है इस पूरे आ, इस पूरे कार्टून का मतलब ये है कि ये जो चाइना का जो वो इकोनॉमी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो वो उसका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया पर जो बढ़ता जा रहा है क्या हाँ उसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी बड़ी शक्तियाँ जापान जैसी ठीक है शक्तियाँ क्या उसे रोक पाएंगी ठीक है इस कार्टून का मतलब ये है अब हम आ, जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राइज़ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ चाइना वो इस उस, उस चीज़ को ये पिक्चर जो है वो बहुत परफेक्टली तरीके से दिखा रहा है चलो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कह रहे कि त, इस कार्टून में ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से चाइना का जो चाइनी की इकोनॉमी इकोनॉमिक पावर है वो पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है चाइनाज इकनॉमिक सक्सेस सक्सेस सिंस नाइनटीन सेवनटी एट हैज़ बीन लिंक्ड कह रही कि चाइना की इकोनॉमी की जो सक्सेस है वो बढ़नी कब शुरू हुई नाइनटीन सेवनटी एट में बढ़ना शुरू हुआ उसकी जो शक्तियाँ हैं वो नाइनटीन सेवनटी एट में बढ़ना शुरू हुई जो एक जो चाइना जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी बन गई तब कुछ रिफॉर्म्स के बाद नाइनटीन सेवनटी एट में जो रिफॉर्म्स लिए गए उसके बाद जो जो चाइना की इकनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी बन गई कह रहे कि इट इज़ अ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040 इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि दो ट्वेंटी uh, फोर्टी uh, तक इकोनॉमी जैसी बड़ी इकोनॉमी uh, को क्या करना है ओवरटेक करना उससे भी बड़ी इकोनॉमी बनना है इट्स इकोनॉमिक इंट्रीगेशन इनटू द रीज़न मेक इट द ड्राइव ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ देयर बाय बाई गिवन इट ए नॉर्मल इंफ्लुंस इन रीजनल रीजनल एरियाज कह रहे कि <coughs> इसका जो ये गोल है कि 2040 तक सॉरी 2040 तक यूएसए की इकोनॉमी को ओवरटेक करना है इस उद्देश्य की वजह से ए, जो चाइनीज इकोनॉमी है वो क्या करती जा रही है ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है ईस्ट एशिया को कवर करने की कोशिश कर रही है उसके मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रही है द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज़ पॉपुलेशन लैंड मास रिसोर्सिस रीजनल लोकेशन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वे कह रही कि जो इसकी पावर है जो इसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति है वो क्या है वो उसका वो उसकी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ बहुत बड़ी मा जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं रीजनल लोकेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं वो उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रदान करती है कह रही कि आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ कह रही कि जब नाइनटीन फोर्टी नाइन में जो रिपब्लिक ऑफ़ चाइना था उसका इंस्पेक्शन हुआ इंसेप्शन हुआ उसे गठित किया गया उसके बाद आ, बहुत सारे कॉम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए लीडर माओ के अंतर्गत यानी लीडर माओ ने नाइनटीन फोर्टी नाइन में रिपब्लिक ऑफ़ चाइना का इंस्केप्शन होने के बाद क्या गया हाँ एक कॉम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर आए इसकोमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल कह रहे हैं कि चाइना की इकनॉमी है वो सोवियत मॉडल पर चलती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज़ टू सेवर इट्स लिंक विद कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड जो चाइना था जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड था उसने चूज़ किया क्या कि, उसने ये ये चूज़ किया कि भाई वर्ल्ड में जितने भी ये पूंजीपति हैं उनसे वो क्या करेगा कॉन्टेक्ट करेगा उनसे वो लिंक बनाएगा उनसे वो फ़ॉरन फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाएगा और उसकी मदद से क्या करेगा आ, उसकी मदद से वो अपनी इकनॉमी को ग्रो करवाएगा तो इंडिया की जो इकनॉमी का इतना बढ़ने यानी कुछ नहीं से इतना कुछ आ, होने का जो सफ़र उसने तय किया है वो इसी मॉडल पर किया है कि उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फॉरेन एफडीआई को अपने देश में वेलकम किया उन, इन्वेस्ट करवाया इट हैड लिटिल च्वाइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सिस फॉर अ ब्रीफ पीरियड एंड सोवियत एड एंड द एडवाइज उसने माना कि ये जो तो च्वाइस थी वो बहुत रिस्की थी लेकिन उसके पास जो अपने रिसोर्सेज थे वो कम थे इसलिए उसने थोड़े पीरियड के लिए यह रिस्क लिया और उसने सोवियत एड मॉडल को अपना मतलब सोवियत एड मॉडल के हिसाब से अपनी इकोनॉमी चलाई मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्मलेटेड फ्राम एन एग्रीकल्चर ये जो मॉडल था वो ये था कि भई जो स्टेट हैं मतलब जो चाइना है वो क्या करेगा वो हैवी इंडस्ट्रीज़ को लगाएगा अपने अपने देश में और कैपिटल और जो कैपिटल होगा मतलब जितना भी एग्रीकल्चर से जो कैपिटल आ रहा है उसका यूज़ वो किस में करेगा अपने देश में हैवी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए करेगा एज़ इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ़ अ फॉरन एक्सचेंज इट नीड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड ऑन दर्ल्ड मार्केट यानी कि अब भाई उसे फॉरन एक्सचेंज करने के लिए क्या था मैं नहीं उसे इम्पोर्ट करने के लिए फ़ॉरन डॉलर की ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या करा आ? इसलिए वो तैयार हो गया अपनी टेक्नोलॉजीज और गुड्स को वर्ल्ड मार्केट में बेचने के लिए चाइना डिसाइड टू सब्सिट्यूट इंपोर्ट बाय ए डोमेस्टिक गुड्स लेकिन चाइना जो था उसने उसने क्या किया उसने ये तय किया मतलब उसे फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी चाहिए थी इम्पोर्ट करने के लिए तो अब उसे क्या करना पड़ता अपनी टेक्नोलॉजीज अपने, तो अपने गुड्स को बेचना पड़ता लेकिन चाइना ने डिसाइड किया क्या कि भाई वो इम्पोर्ट करने के लिए अपने डोमेस्टिक गुड्स को क्या करेगा डोमेस्टिक गुड्स को बेचेगा ना कि टेक्नोलॉजी को This model allowed China to use its resources to establish the foundation of an industrial economy on a scale that did not exist before। कह रहे हैं कि इस मॉडल ने चाइना को वो रिसोर्स प्रोवाइड करवा दिए जिसकी मदद से वो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को उस आ, मतलब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की फाउंडेशन रख सके उस स्केल पे जो उनके देश में पहले कभी नहीं थी employment and social welfare was assured to all citizens and china moved ahead of most developing country in, uh, in educating its citizens and ensuring better health for her them okay china अब एम्प्लॉयमेंट रोज़गार देने के लिए सोशल वेलफेयर करने के लिए ए, आ, अपने सिटीजन्स का आ, अपने सिटीजन्स का चाइना ने क्या एक और कदम बढ़ाया चाइना एक डेवलपिंग कंट्री था उसने क्या किया उसने अपने सिटीजन्स को एजुकेट करने में पैसा खर्च किया आ, उनकी बेटर हेल्थ करने में उनकी आ, पैसा खर्च किया द economy also ग्रो एट द रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ़ फाइव परसेंट और इससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमी है वो फाइव से सिक्स परसेंट क्या कर गई ग्रो कर गए लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन थी उसकी ग्रोथ भी दो से तीन परसेंट हो रही थी जो कि उसकी इकोनॉमिक हेल्थ के लिए मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था उसके लिए वो सफिशेंट नहीं थी यानी वह जितना कमा रहे थे मतलब अगर वो पाँच से छः परसेंट के हिसाब से अगर वो ग्रोथ कर रहे थे तो उनकी उसकी पॉपुलेशन भी दो से तीन परसेंट के <coughs> पर क्या कर रही थी ग्रो कर रही थी इसीलिए जो नेट इफेक्ट हो रहा था वो क्या हो रहा था ज़ीरो हो रहा था इनसफिशियंट मीट ऑफ द नीड यानी ये जो उनकी आवश्यकताएं थी जो उनके बढ़ते हुए पॉपुलेशन की जो आवश्यकताएं थी वो पूरा पूरी नहीं हो पा रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो आ, आ, जो जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे थे वो भी सफिशियंट नहीं हो पा रहा था इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी सर आपने इन चैप्टर टू वी डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन द यू एस एस आर कह रही कि अपने चैप्टर नंबर टू में यू एस एस आर की कंट्रोल्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा तो चाइना भी कुछ वैसी ही स्थिति को फेस कर रहा था वैस वैसे जो चाइना था वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो थी लेकिन उसकी बंद इकोनॉमी क्लोज इकनॉमी होने की वजह से उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी चाइनाज लीडेड टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन द नाइनटीन सेवेंटी तब चाइनीज चाइना के जो लीडर थे उन्होंने मेजर पॉलिसी डिसीजन उन्नीस सौ सत्तर में लिया उन्होंने क्या किया चाइना पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन नाइनटीन सेवेंटी टू नाइनटीन सेवेंटी टू में इन चाइना ने जब यू एस ए के साथ क्या किया पार्टनर यानी आ, ट्रेड करना शुरू किया एक आ, आ, रिलेशन स्थापित किए हित तब जाकर उसने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइसोलेशन यानी जो वो पहले अकेला ही, ही uh, क्या किया जा रहा था पॉलिटिकली uh, और इकोनॉमिकली रूल कर रहा था उसने उस आइसोलेशन को तोड़ा और 1972 में यूएसए के साथ उसने रिलेशन स्टैब्लिश किए द प्राइम द प्रीमर जूहू इन लाई प्रपोज फोर मॉडर्नाइजेशन कह रहे कि उस समय जो वहाँ के जो लीडर थे जोहू इन लाई उन्होंने चार चार मॉडर्नाइजेशन चार चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन किया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री 1973 में उन्होंने इन चारों चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन किया 1978 सेवेंटी एट में जो डिंग एग्जोपिंग थे उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस किया हाँ और इकोनॉमिक रिफॉर्म और चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म को आ, क्या, क्या अनौस किया अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी मतलब अब चाइना ने अपने द्वार जो है वो दूसरे देशों के लिए खोल दिए थे लेकिन उनकी चा उनकी इकनॉमी को एकदम से एफ डी आई का झटका ना लगे इसलिए उन्होंने ये जो ओपन डोर पॉलिसी है वो स्टेप बाय स्टेप की थी द पॉलिसी वाज टू ग्रेटर हायर प्रोडक्टिविटी इस पॉलिसी से क्या होता कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ जाती उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ जाता कैपिटल में टेक्नोलॉजी में वो बढ़ जाता जब जब उन्होंने क्या किया था ओपन डोर पॉलिसी को लागू किया था चाइना फॉलोड ओन पथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी चाइना जो है वो अपना ही रास्ता बना रहा था मार्केट इकोनॉमी में चाइना डि नॉट गो फॉर द शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने ये बताया कि चाइना को कोई शॉक नहीं चाहिए था इसलिए उसने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप खोला था 19 नाइनटीन में उसने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया गया था कर दिया था उसने फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन नाइनटीन नाइन्टी में पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया गया था उसके बाद 1998 में इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइवेट कर दिया गया था इससे पहले जितनी भी चीज़ें थीं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर आया करती थी ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसके बाद जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे रुकावट थे उन्हें सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हटाया गया था सभी के लिए हटाया नहीं गया था यानी जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्हीं जोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी चाइना में कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन चाइना द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले सेंट्रल रोल इन सेटिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी चाइना के जितने भी स्टेट थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रेल रोल प्ले किया मार्केट इकोनॉमी uh, uh, को डेवलप करने में द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रिक फ्रॉम स्टैगिनेशन स्टैगिनेशन प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर ली टू रिमार्केबल राइस कह रही है जो चाइना की न्यू पॉलिसी थी उसने बहुत मदद की करी ये जो स्टैगिनेशन uh, थी जो रुकावट थी या uh, का मतलब होता है कि जो सुस्त इकोनॉमी थी उसे आगे बढ़ाने में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमीज कह रहे कि एग्रीकल्चर का कर प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई जिसकी वजह से जो रूरल इनकम थी ग्रामीण आय जो थी वो भी बढ़ गई हाई पर्सनल सेविंग इन द रूरल इकोनॉमी लीड टू एक्सपॉन्टेंशनल ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्री कह रहे कि हाई यानी बहुत ज़्यादा पर्सनल हाई पर्सनल सेविंग रूलर्स में यानी गाँव में जो पर्सनल सेविंग बढ़ने की वजह से जो रूलर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो बहुत तेज़ी से हुई द चाइनीज इकनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रो एट अ फास्टर रेट आपने आप ये भी देखोगे जो चाइनीज इकनॉमी है इसमें इंडस्ट्री यानी जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इन दोनों सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ है फास्टर रेट से इन्होंने ग्रोथ की है द न्यू ट्रेडिंग लॉ एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू अ फिनोमिनल राइज़ इन द फॉरेन ट्रेड कह रहे कि नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से भी फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा राइज़ आया चाइना बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर और एफ डी आई जो चाइना था वो अब क्या बन चुका था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका था फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मैंने भी पहले बताया भी था कि चाइना की इकनॉमी का इतना ज़्यादा बूस्ट होने का रीज़न यही था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो रही थी एफ डी आई हो रही थी यानी दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो uh, चाइना में क्या कर रहे थे इन्वेस्ट कर रहे थे इट हैज़ लार्ज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व डेट नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज इसकी वजह से क्या हुआ उसके पास अब लार्ज अमाउंट में क्या था फॉरन मनी थी फॉरन एक्सचेंज था जिसका यूज़ वो क्या कर सकता था बड़े इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकता था चाइनीज एक्सेशन टू आगे चलते हैं हम To WTO in ओ इन टू थाउजेंड वन हैज बीन अ फर्दर स्टेप इट्स ओपनिंग टू द आउटसाइड क्या कि दो हजार एक में चाइना का जब डब्लू टी ओ से जब उसने गठबंधन किया या उससे आ, क्या कहते हैं उसके साथ जब एसोसिएशन किया जुड़ा वो तब एक और स्टेप बढ़ाया चाइना ने ही दुनिया की तरफ़ कंट्री प्लान टू डीपन इट्स इंट्रीगेशन इंटू द वर्ल्ड इकनॉमी एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कंट्री क्या चाहती थी वो ये चाहती थी कि जो उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी दुनिया की इकनॉमी पर फैले और अपनी जो जो उसके भविष्य का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको वो क्या करें शेप दें चाइनीज इकनॉमी हैज़ इम्प्रूव ड्रास्टिकली जो बहुत बहुत ड्रामेटिकली जो चाइना की इकनॉमी है वो चेंज हुई नॉट एवरी वन इन चाइना हैज़ रिसीव द बेनिफिट ऑफ दि रिफॉर्म भले ही चाइना में हर किसी ने इन सुधारों का फ़ायदा उठाया हो या ना उठाया हो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना विथ नियरली हंड्रेड मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब कह रही कि इतनी इकनॉमी बढ़ने के बावजूद वहाँ चाइना में सौ मिलियन यानी लगभग एक करोड़ लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं वो जॉब ढूंढ रहे हैं अनएम्प्लॉयड हैं फीमेल इंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर बैड एज इन यूरोप ऑफ एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरी कह रही है अगर फीमेल इंप्लॉयमेंट की बात करें तो वो और भी बुरी है उतनी बुरी है जितनी यूरोप में अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ करती थी इन्वामेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन हैव इंक्रीज बिसाइड द राइज इन इकोनॉमिक इनकवालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट एंड कॉस्टल एंड आईलैंड कह रहे हैं कि जो करप्शन है करप्शन की वजह से और इन्वामेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो इकनॉमी में इनक्वालिटी है वो बहुत बड़ी है यानी अमीर और गरीब शहरों में रहने वाले और गांव में रहने वालों के बीच में बहुत अंतर है कोस्टल और आइलैंड में रहने वालों के बीच में जो खाइयाँ हैं वो बहुत बड़ी है यानी वहाँ पे भी इनकवालिटी देखने को मिलती है हाउ एवर रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज़ बिकम एन इकनॉमिक पावर टू रेकॉर्न विद माना कि जो चाइना है वो इकनॉमिक uh, पावर बन चुका है यानी ग्लोबली वो क्या बन चुका है कि इकनॉमिक पावर बन चुका है उसके बावजूद भी इंट्रगेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड इंटर डिपेंडेंसी डेट दिस हैज़ क्रिएटेड हैज़ एनेबल चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुंस विथ इट्स ट्रेड पार्टनर कह रही कि जो चाइना है इन सब के बावजूद भी जो चाइना है वो क्या बन चुका है एक इकनॉमिक पावर बन चुका है और आज वो ताकत रखता है कि वो दूसरी इकनॉमी के ऊपर मतलब दूसरी इकनॉमी उस पर क्या हो जाए इंटर डिपेंड हो जाए और अपने ट्रेड पार्टनर्स पर इन्फ्लुएंस इं, यानी उन्हें प्रभावित करने की शक्ति रखता है इट्स आउटस्टैंडिंग इशू विथ जापैन द यू एस एन आशियान एंड रशिया हैव बीन टैंपर्ड बाई कंसिड्रेशन Uh, uh, ये इसी यही रीज़न है कि जो यूएसए आशियान रशिया जापान जैसे देशों के साथ इसके क्या है कॉन्ट्रिक्ड हैं कॉन्फ्लिक्स हैं इट होप टू रिजॉल्व इट डिफरेंस विद ताइवान विच इट रिगार्ड्स एज रेनिजेंडा प्रोविंस बाय इंट्रीगेटिंग इट्स क्लोजली इनटू इट्स इकोनॉमी रहे कि इसी के साथ ताइवान के साथ भी इसके कुछ क्या है डिफरेंसेस हैं और ये माना जाता है कि आ, आगे फ्यूचर में ये भी सॉल्व हो जाएंगी फियर ऑफ़ चाइनाज राइज हैव ऑल्सो बीन मिटिगेटेड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी ऑफ द आशियन इकनॉमी आफ्टर द 1917 फाइनेंशियल क्राइसिस कह रही कि जो चाइना के बढ़ने का जो डर है वो आशियान इकनो में आशियान इकनॉमीज की स्टेबिलिटी पर भी सवाल खड़ा करता है इट मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एट पॉलिसी इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका आर इनक्रीजिंगली इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग इट्स इट एज अ ग्लोबल प्लेयर ऑन द साइड ऑफ डेवलपिंग इन इकनॉमीज इसके बाद यही कहा गया कि जो ये पॉलिसी है जो चाइना की ये जो आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट जो बढ़ता हुआ उसका जो इन्वेस्टमेंट है ठीक है और जो उसकी बढ़ती हुई जो पॉलिसी है वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को भी क्या कर रही है अफेक्ट कर रही है और उन्हें सोचने में मजबूर कर रही है तो आई आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा इंडिया एंड चाइना रिलेशन थैंक यू गुड बाय टेक केयर